वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। क्लॉक का क्लॉक रीजनिंग का क्लास लेकर आया हूँ। क्लॉक देखिए, एक क्लॉक एक घड़ी है। घड़ी मान लीजिए यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, 9 और 3। तो उसको देखना है कि ये जैसे मान लीजिए 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, तीन के बीच में कितना एंगल बन रहा है। तो कितना एंगल बन रहा है तीन के बीच में, तो एंगल देखना है थीटा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज़ आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, फिर आज क्लॉक के जादुई ट्रिक के बारे में पता चलेगा कि आप लोग कहीं भी ऐसा नहीं देखे होंगे कि क्लॉक भी इस तरह रेशियो मेथड से बनाए जाते हैं। आज आप लोग के सामने क्लॉक को भी रेशियो मेथड से बता देंगे, लेकिन उसको आपको लर्न करना पड़ेगा ताकि आप एग्ज़ाम में जल्द से जल्द बना सकें। तो देखिए, सबसे पहला कि घड़ी जो है वो कौन साइड मतलब मिलती है, कौन साइड 24 घंटा में घड़ी कितने बार मिलती है। 24 घंटा मतलब कौन साइड 24 घंटे में, मैं 24 आवर में घड़ी कितने बार मिलती है। जैसे तो आप लोग अगर कोई कुछ नहीं जानता है तो इसमें क्या होगा कि आप बोलेंगे 24 टाइम्स, 24 टाइम्स नहीं होता है, 22 टाइम्स होता है। आप बोलिएगा आप लोग कि दो टाइम्स कहाँ हट गया, तो दो टाइम्स कहाँ नहीं, तो 11 और 12 के बीच में, 11 और 12 के बीच में कॉन्साइड नहीं करती है, 11 और 12 के बीच में कॉन्साइड नहीं करती है। तो 12 घंटा में एक बार कॉन्साइड नहीं करती है, तो 24 घंटा में दो बार, तो दो बार कॉन्साइड नहीं करती है। अब अपोजिट का केस आ गया, अपोजिट भी सेम, तो 24 आवर्स में सेम केस, 22 टाइम्स अपोजिट रहती है। अब बोलिए कब से कब नहीं रहता, तो 5 और 6 बज के बीच में यह घड़ी जो मिनट और आवर एंड की सुई है वो कभी भी अपोजिट नहीं होती है। एक जग जब 6 बजती है तब अपोजिट होती है, इसी तरह 11 और 12 के बीच में जब 12 बजते हैं तब कॉन्साइड करती है। तो ये दोनों केस आप लोग को याद रखना है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि 24 घंटा में मैंने एक दिन में घड़ी मिनट और आवर एंड कितने बार कॉन्साइड करती है, तो 22 बार, और अपोजिट कितने बार होती है, सेम चीज़ 22 टाइम्स। अब एग्जांपल क्वेश्चन 1 लेते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 4:40। 4:40 में, 4:40 में कितना एंगल बनाती है। तो थीटा इक्वल टू आवर, आवर कितना है, पहले फार्मूला देखे थे, आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। तो आवर कितना है, 4 × 30 माइनस 40 × 11/2, दैट इज 120 माइनस 220, दैट इज माइनस 100 इक्वल टू 100 डिग्री। हमेशा मॉड लेते हैं, तो 100 डिग्री। अब इसी को हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ट्रिक किसका क्या होगा, रेशियो कितना है 440, इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:10। तो 1:10 जब कभी भी रेशियो 1:10 हो, तो थीटा इक्वल टू मिनट इंटू 2.5। तो मिनट कितना है, 40 × 2.5, दैट इज 100 डिग्री, पहला ट्रिक। अब दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू क्या है कि 8:48 में, सेम केस। अब हम इसको डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, ट्रिक लेंगे इसका, जिसमें कितना है 1:6, रेशियो 1:6 है। तो आपको याद रखना है कि थीटा का वैल्यू
मिनट बाई टू होगा, मिनट कितना है 48 डिवाइडेड बाई टू, दैट इज 24 डिग्री। अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लीजिए 6:24, अगर 6:24 हो, 6:24 हो, तो इसको इसका भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि 6:24 मतलब 1:1:4 रेशियो हो गया। तो जब जब कभी भी 1:4 रेशियो होगा, तो 1:4 रेशियो होगा, तो थीटा का वैल्यू मिनट इंटू ट्वाइस, दैट इज मिनट कितना है 24 इंटू 2, दैट इज 48। अब क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, अगर 9:48 होगा, अगर 9:48 होगा, इसका भी रेशियो क्या होगा, इसका ट्रिक देखिए। रेशियो इसमें क्या है, रेशियो 1:5 है। तो सेम केस, अगर 1:5 होगा और 1:6 होगा, तो थीटा का वैल्यू मिनट बाई टू, दैट इज 45 डिवाइडेड बाई टू, दैट इज 22.5 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर फाइव क्या, अगर मान लो 4:32 हो रहा है, 4:32 होगा, तो इसका भी रेशियो क्या है, दैट इज 1:8। जब भी रेशियो वन एट होगा, तो थीटा का वैल्यू, कितना होगा, थीटा का वैल्यू मिनट माइनस आवर इंटू ट्वाइस। थीटा का वैल्यू क्या है, मिनट, मिनट कितना है, मिनट यहाँ पर 32 है, माइनस 4 है, डिवाइड बाई 2 है, दैट इज 28 इंटू 2, दैट इज 56 डिग्री। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सिक्स लेते हैं। 6:18 जब भी लेंगे, तो इसका रेशियो क्या हो गया, 1:3। जब भी रेशियो 1:3 होगा, तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो मिनट इंटू 4 प्लस मिनट बाई 2। तो मिनट कितना है, 18 इंटू 4 प्लस 18/2, दैट इज 72 प्लस 9, दैट इज 81 डिग्री। और अब आप लोग के लिए होमवर्क दे रहे हैं, क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, अगर मान लीजिए 9:54 है, सबका एंगल निकालना है ट्रिक के माध्यम से, 330, ठीक है, 8:32, क्वेश्चन नंबर 4 है 5:25, और क्वेश्चन नंबर 5 है 10:30, और क्वेश्चन नंबर 6 है 5:40। इन 6 क्वेश्चन को आपको कमेंट करना है कि आप सीखे कि नहीं सीखे। आप ट्रिक के माध्यम से इन 6 क्वेश्चन को बना के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 लेके उसका आंसर कमेंट कीजिए। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे, तो आप लोग जरूर इसे शेयर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने ना भूलें। साथ ही इन 6 क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। थैंक यू फॉर आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।